तो दोस्तों ये अलग तरह की नोजल है जो हमारे पास में जो मोस्टली जो नोजल रहती है सिंपली, ये उनसे थोड़ा अलग है। इसका पाइप भी ख़राब हो गया है और ये अभी वाइब्रेशन भी नहीं कर रही है सही से। तो हम इसको खोल के देखते हैं। हमारा मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का है कि इसमें थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। जैसे अभी हम इसका टॉप नट खोल लेंगे तो वो जैसे हम बाकी नोजल का खोलते हैं ये वैसे ही खोलेगा, इसमें उल्टे थ्रेड है। तो इसको हम पहले खोल लेते हैं, फिर वन बाय वन आपको सब पता चल जाएगा कि इसमें क्या अलग चेंजिंग है। ये टॉप नट हमने खोल लिया तो ये उसी तरह खुल रहा है जैसे नॉर्मली नोजल का खुलता है, तो ये खोल लिया। अब हम जब इसकी हाउसिंग खोलेंगे तो ये टॉप नट को हम पहले एक तरफ रख देते हैं, हाउसिंग को देखते हैं। हाउसिंग इसका इस तरफ खुलेगा और इसमें जो है वो सीधे थ्रेड हैं, वो जैसे हम बाकी नोजल को खोलते हैं उधर ये नहीं खुलेगी, ये सीधे थ्रेड है तो इसी तरफ खुलेगी ये, जिधर बाकी चीज़ें हम नट बोल्ट खोलते हैं सीधे थ्रेड वाले। तो इस तरह से ये देखो ये इसकी हाउसिंग खुलती जा रही है, ये बड़ी आसानी से खुल रही है क्योंकि इसमें यहाँ पे सीधे थ्रेड दिए हैं। तो और इसका रूटर भी आप थोड़ा ध्यान से देखें, इसका अंदर हाउसिंग का देख लो और ये रूटर देख लो, इसका रूटर का भी प्रोग्राम बाकी नोजल से चेंज है। और इसको हम खोल के आपको दिखा देते हैं कि इसमें किस तरह के पार्ट लगे हुए हैं और बैरिंग कौन सा है, तो इसकी नॉलेज हम आपको दे देते हैं अभी। वैसे तो जो इसका काम कर चुके हैं उनको पता होगा, लेकिन फिर भी हम इसको जो नहीं जानते उनको बता देते हैं। तो देखो इसका जो बैक नट है ये भी हम जिधर बाकी नट बोल्ट खोलते हैं तो उसी तरफ ये खुल रहा है, क्योंकि इसमें भी सीधे थ्रेड हैं, नहीं तो बाकी नोजल में ये भी उल्टा खुलता है। तो इस तरह से इसको भी हम खोल के देख लेते हैं, फिर इसका जो अंदर की थ्रेड निप्पल है वो भी देख लेते हैं किस तरह की है, बैरिंग कौन सा है। तो इस तरह से ये 50 mm की नोजल है, हम बता देते हैं आपको ये 50 mm की नोजल है हमारी साइड पर, तो हमें ये रिपेयर करनी है। हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट हैं, क्योंकि और नोजल से ये थोड़ा अलग है और काफ़ी टाइम के बाद ये ख़राब हुई है, तो इसलिए अभी तक ये सामने में नहीं आई थी, तो अभी सामने आई है तो हमने सोचा कि आपको बता दें। तो इस तरह से ये हमने अलग कर ली है और इसको हम रूटर को ही अलग करेंगे, तभी हमें सही पता चलेगा कि इसकी कट निप्पल, ये थ्रेड निप्पल कैसी है, क्योंकि कट निप्पल इधर नहीं होती है, कट निप्पल पीछे की साइड में लगती है। तो इस तरह से हम एक प्लास से इसका स्प्रिंग पकड़ लेंगे ये, और फिर इसको हम खोल लेते हैं। तो इस तरह से प्लास की मदद से हम इसमें इसको और चाबी से इसका रूटर घुमा के खोल लेंगे, तो इसकी हमें पता लग जाएगा कि बैरिंग कौन सा है, बैरिंग भी फिर बाद में निकाल लेंगे हम। तो अभी पहले हम रूटर खोल लेते हैं। तो रूटर इसका जैसे बाकी का खुलता है ऐसे ही खुल रहा है, रूटर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बैरिंग में थोड़ा कचरा ही है इसमें, बाकी तो बैरिंग भी इसका ठीक नज़र आ रहा है। इसकी ये थ्रेड निप्पल देखो, इसकी ये अलग टाइप की है और ये इसमें बैरिंग लगा हुआ है, एक बैरिंग है, वो सील एक ही लगी हुई है, इसमें डबल सील नहीं है और इसमें कैप भी नहीं लगती है, बैरिंग के ऊपर जो हम कैप लगाते हैं वो भी नहीं है, क्योंकि इसके थ्रेड निप्पल इसी तरह का डिज़ाइन किया हुआ है कि उसमें सामने कैप भी ऑटोमेटिक बनी हुई है, इनबिल्ड है उसमें समझो। तो बैरिंग तो इसमें 2203 ही लगा हुआ है, इसमें तो कोई चेंजिंग है नहीं। तो बैरिंग का थोड़ा कचरा साफ करके हम इसको लगाना शुरू करते हैं, अभी बैरिंग चल जाएगा ये। इसकी ये थ्रेड देखो इसमें इस तरह की नॉर्मल दूसरे रूटर में नहीं रहते, हम आपको दिखा देते हैं। ये दूसरा रूटर है जो अधिकतर हमारे पास में जो नोजल रहती है उसमें ये थ्रेड निप्पल लगती है, लेकिन इसमें प्रोग्राम चेंज है, इसमें इसकी यहाँ पे थ्रेड हैं और इसमें देखो इसका ये थ्रेड निप्पल भी अलग टाइप का है, तो ये इसमें प्रोग्राम चेंज है और इसमें एक ही सील लग रही है, दूसरी सील इसमें नहीं है, दो सील इसमें यूज़ नहीं हो रही है, ये एक ही सील पे काम कर रहा है। तो इस तरह से हम साफ़ करके इसमें दोबारा से ग्रीस भरेंगे, क्योंकि बैरिंग इसका अभी सही है, ये चल जाएगा, जो चीज़ सही है उसको चला देनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवर ग्रीसिंग भी नहीं करनी चाहिए। तो इसमें थोड़ा लिमिट में ही हम ग्रीस लगाएंगे और इसको वापस से पैक करना शुरू करेंगे फिर। और ये इस तरह से इसके जो इसका बैक नट है, इसका बैरिंग इसी में फिट होता है, बाकी का तो हाउसिंग में होता है, लेकिन इसका बैरिंग जो इसका बैक नट है वो इसी में फिट होता है। ये भी इसमें प्रोग्राम चेंज है,
बाकी नोजल से जो हमारे पास में रहती है नोजल उससे ये इस तरह से चेंज है। देखो इसमें ये प्रोग्राम भी चेंज है। तो इस तरह से हम इसका बैरिंग इसमें फंसा लेंगे, थोड़ी सी चोट ऊपर से इस पर मार देंगे और ये सेट हो गया है, बैरिंग इसमें इसके बैक नट में सेट हो गया है। अब इसको हम फिट करना शुरू करेंगे। यहीं से ऐसे पकड़ के ही इसका रूटर पहले टाइट करेंगे और रूटर टाइट करने के बाद में हम इसका फिर ये बैक नट टाइट कर देंगे, क्योंकि यहाँ का काम हमारा पूरा हुआ है, इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम इतना है नहीं। तो अभी धागा लगाना इसमें ना भूले, धागा इसमें ज़रूर लगाएं, जहाँ पे भी आप जॉइंट करें वहाँ पे धागा ज़रूर लगाएं, क्योंकि धागा लगाने से हमारे इसमें अंदर पानी जाने की टेंशन ख़त्म हो जाती है, जिससे नोजल अच्छा काम करती है और ज़्यादा चलती है। तो इस तरह से थोड़ा इसको टाइट करके फिर इसको धागा लगा के अच्छे से पैक कर दें। इसको धागा लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि धागा इसे बहुत हद तक बचा देता है, क्योंकि कॉलम में या स्लैब में भी जब ये कंक्रीट में जाई रह इसमें चलती है तो इसमें पानी जाने का अंदर खतरा बना रहता है। तो इस तरह से ये इसका प्रोग्राम यहाँ का हमने सेट कर दिया। अब हमारी मेन हाउसिंग बचेगी, तो इसकी मेन हाउसिंग भी हम टाइट कर लेंगे। देखो ये बिल्कुल जैसे नट बोल्ट हम सीधे टाइट करते हैं उसी तरह से ये टाइट हो रहा है। तो इसमें सील और बैरिंग हमारा जो हम दूसरी नोजल में अपनी 50 mm में यूज़ करते हैं सेम है, उसमें कुछ बदलाव नहीं है, लेकिन सील एक लगी है इसमें, बाकी नोजल में हम दो यूज़ करते हैं। तो इसकी हाउसिंग भी हम अच्छी तरह साफ़ करेंगे, अंदर का हाउसिंग का हमने बार बार ये बताया कि हाउसिंग का हिस्सा जो टॉप नट की तरफ रहता है वो बिल्कुल जिसमें रोटर घूमता है जितने एरिया में वो बिल्कुल एकदम सूखा रहना चाहिए, उसमें कोई किसी किस्म का तेल या ग्रीस बिल्कुल ना रहे, ना ही कोई नमी पानी की रहे, तो वो बिल्कुल एकदम सूखा रहना चाहिए, तभी वो अच्छा वर्क करेगा और टॉप नट भी बिल्कुल एकदम सूखा रहना चाहिए। तो देखो इसका ये भी सीधा चढ़ रहा है एकदम, तो इसके भी थ्रेड एकदम सीधे हैं। धागा इसमें भी लगाना ना भूलें, धागा लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी इसमें और भी काम है, क्योंकि अभी इसका हमने देखा था कि पाइप भी ख़राब है, तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पाइप को काट के, और पाइप अगर कटेगा तो स्प्रिंग भी हमें काटना पड़ता है, तो किस हिसाब से हमें पाइप और स्प्रिंग काटने पड़ते हैं तो वो भी आपको हम दिखा देते हैं अभी। तो ये देखो ये बिल्कुल एकदम सीधा टाइट हो रहा है, क्योंकि ऐसे हमारी नोजल टाइट नहीं होती है जो हमारे पास में ज़्यादातर रहती है, और ये ऐसी है जिसका प्रोग्राम सीधा है बाकी का उल्टा रहता है। तो अभी इसे अच्छी तरह हम जोर लगा के कर देंगे, ज़्यादा जोर भी नहीं लगाने चाहिए, थ्रेड फ्री ना हो जाए। तो इस तरह से अब ये यहाँ तक पूरा हुआ हाउसिंग तक। अब टॉप नट की बारी है, टॉप नट हम इसमें अब टाइट करेंगे, धागा उसमें भी लगाना पड़ेगा हमें, तो धागा उसमें भी ज़रूर लगाएंगे हम। इसको भी बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ करके एकदम मिट्टी से सुखा करके, सूखे कपड़े से एकदम चमका करके इसको तब हम इसमें लगाएंगे, जिससे ये अच्छा वाइब्रेशन दे और ज़्यादा टाइम तक चले। तो इसमें भी हम इसका रोटर, कभी हाथ हमारे ग्रीस व्रीस के हाथ इसमें लग जाते हैं, तो लास्ट में भी हम इसको ज़रूर साफ़ करें। और इस तरह से इसका सिर्फ ये टॉप नट उल्टे थ्रेड का दिया हुआ है, तो इतना छोड़ के हम इसमें धागा लगाना शुरू करेंगे और धागे को अच्छी तरह से एक लेयर अच्छी बना देंगे उसकी, और फिर टाइट करेंगे, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी गैप ना रहे और पानी इसमें अंदर बिल्कुल ना जा सके। अगर पानी इसमें जाता है तो ये वर्क करना बंद कर देती है, कहीं से थोड़ा सा भी पानी चला जाए, इसमें नमी चली जाए तो ये काम नहीं करती है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ये हमने अपनी नोजल की जो भी वीडियो हमने बनाई है उसमें हमने ये ज़रूर बताया कि टॉप नट का जो एरिया है वो बिल्कुल एकदम सूखा रहना चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई चिकनाई, ग्रीस, तेल, कोई पानी का कुछ भी नमी ऐसी नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरह से ये बिल्कुल अब टाइट हो गया है, और अब हम इसको यहाँ से निकालें। यहाँ का काम हमने बिल्कुल एकदम सही से चेक किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हमने काम सही से किया है तो वो हमें दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर हमने ध्यान से किया है तो। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी काम इसमें हम करते जाएं, अब इसका ये पाइप भी हम काट देते हैं क्योंकि यहाँ से डैमेज हो चुका है, और इसकी ये जो ये स्प्रिंग है, सेफ्टी स्प्रिंग है, ये भी इसमें यहाँ पे ये
ट्विस्ट हो चुका है बीच में ही, तो इसको भी काटना पड़ेगा हमें, आधा स्प्रिंग भी है। तो इसको बिल्कुल काट के हम अलग कर देते हैं पहले, और बाद में जब हम निप्पल का जो एरिया, इसमें जो हम रबर होज निप्पल लगाएंगे तो उसका एरिया हम बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। तो ये कट निप्पल हमें काटनी पड़ेगी, ये इतनी हमारी कट निप्पल ये बर्बाद हो जाएगी, और थोड़ी स्प्रिंग भी हमें काटनी पड़ेगी। तो पहले ये स्प्रिंग इससे हटा लेते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कोशिश करी गई है इसका जो पाइप में टेप वेप लगा के कि ये चल जाए, लेकिन ऐसे इसमें दिक्कत रहती है। तो अभी हम इसका ये हिस्सा बिल्कुल क्लीन कर देते हैं, तो तभी जाके ये सही से हम सही कर पाएंगे। तो इस तरह ग्राइंडर से हमें इसको काट देना चाहिए जितना इसका ख़राब हिस्सा है पाइप का, और पहले हमें देख लेना चाहिए कि कोई स्प्रिंग इसका पिचका हुआ नहीं रहना चाहिए ऐसी जगह पे। मोस्टली हमें ये देखने को मिलता है कि अंदर का स्प्रिंग पिचका हुआ मिल जाता है, तो उसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, वो कुछ दूर तक हमें पिचका हुआ मिल जाता है। तो अभी हम इसका थोड़ा सा हिस्सा ये काट के देखेंगे कि क्या इसका ये हिस्सा पिचका हुआ है और कितनी दूर तक पिचका हुआ है। जो हिस्सा डैमेज रहेगा उसको हम अलग कर देंगे काट करके, उसको हम इसमें लगा नहीं रहने देंगे। तो इसको रबड़ को हम अच्छी तरह उतार के देख लेते हैं, और ये टेप भी हम सारी उतार देंगे इसमें, और यहाँ पे क्योंकि हमें फिर इसका स्प्रिंग काट के भी इनर कोड जिसे हम कहते हैं, तो इनर कोड काट के उसमें हमें ये कट निप्पल दोबारा लगानी पड़ेगी। अब इसका ये स्प्रिंग जो इनर कोड के ऊपर रहता है, जो पाइप के अंदर इसका, ये भी एक किस्म का इसका सेफ्टी स्प्रिंग है जिसके अंदर हमारी इनर कोड घूमती है, और इसको हम यहाँ से अलग कर देंगे काट करके, क्योंकि ये थोड़ा सा इसी जगह ख़राब मिलेगा जहाँ से ये पाइप ख़राब है, तो इसको हमें ज़रूर अलग करना पड़ता है। तो इस तरह से हम इसको इतने ही टुकड़े को अलग करेंगे, और यहाँ पे हम एक अपनी जो रबड़ होज निप्पल होती है वो लगाएंगे। ये हमारे पास रबड़ होज निप्पल है, और ये कट निप्पल हमें लगानी पड़ेगी क्योंकि हमें ये इनर कोड भी काटना पड़ेगा। हम इसको नाप के देख लेते हैं कि ये कितने में लगेगा, और फिर उसी हिसाब से हम इनर कोड को काट लेंगे। तो इस तरह से ये यहाँ तक हमारा ये रबड़ होज निप्पल आ गया, ये फिर कट निप्पल इसमें लगेगा, तो इस हिसाब से हम यहाँ से इसको काट देंगे, और ग्राइंडर से हम इसको काट देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम बड़ा ही रखते हैं स्प्रिंग को, इनर कोड को, क्योंकि फिर वो हमें थोड़ा सही रहता है जब कॉलम में नोजल चलती है, तो उसमें अगर कोई नोजल को खींचता भी है, कहीं फंस जाती है, तो इतनी जल्दी नोजल बंद नहीं होती है, वो फेरुल में से डिस्कनेक्ट नहीं होती है। तो इस तरह से अभी हम इसको पंच करेंगे। पंच करना बहुत ज़रूरी होता है इसमें, क्योंकि बिना पंचिंग के चलेगी नहीं, ऐसे अगर हम हथौड़े से पीट देंगे तो वो कामयाब नहीं रहती है, उसमें दिक्कत आती है। तो इसको सेंटर पंच से ही पंच करें, और अच्छी तरह पंच करें इसको, तो उसमें वो ज़्यादा टाइम तक चलती है और स्लिप नहीं होती है। हथौड़े से ऐसे ही पीट के अब वो थोड़े टाइम तक चलती है, नहीं तो फिर वो स्लिप हो जाती है। तो इस तरह से हमने ये पंच कर लिया है। अब बारी आती है हमें इसमें ये होज निप्पल लगाने की। तो अभी ये इसमें नहीं जा रही है, तो इसके ये तीन लॉक होते हैं, इसको हमें चाबी से प्रेस करना पड़ता है और ये लॉक हो जाते हैं रबड़ में। तो अभी ये नहीं फंस रही है, तो ग्राइंडर से साफ करके हम इसको फंसाते हैं। तो थोड़ा ग्राइंडर से घिस देते हैं और इसको फंसा देते हैं। तो इस तरह से ये रेडी हो गई है, और अब इसको पंच करेंगे हम एक चाबी का कॉर्नर सा इसमें लगा के, और उसको मारेंगे हथौड़े से, तो ये थोड़ा थोड़ा इसको पिचका देंगे, इस तरह से ये लॉक हो जाएगी, क्योंकि वैसे ही बहुत टाइट इसमें ये रबड़ का पाइप गया है, तो इतनी जल्दी ये नहीं खिसकेगी, लेकिन ये लॉक लगाने बहुत ज़रूरी हैं जिससे कि ये आगे पीछे नहीं खिसकता पाइप इसमें से। तो ये तीन लॉक होते हैं इसमें, तीसरा लॉक भी हम पंच कर देते हैं। तो कट निप्पल इतनी बाहर रख लेते हैं हम, वैसे तो इससे थोड़ा एक इंची कम भी रहेगी बाहर तो भी चलेगी, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा रहे तो ही ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि जब कॉलम में नोजल चलती है तो उसको जब हम खींचते हैं तो वो इतनी जल्दी बंद नहीं होती है, हमें इसका ये बेनिफिट हो जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा लंबी हमें नहीं रखनी चाहिए। और ये हम फेरुल लगाने के लिए भी, हमें अगर नोजल हमने सीधी नहीं फैला रखी तो हमें बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि नोजल को सीधी फैला के तभी ये फेरुल चढ़ाएँ तो थोड़ा आसान रहेगा, नहीं तो हमें ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी अगर नोजल मुड़ी हुई होगी तो। तो अब ये यहाँ से भी रेडी हो गई है, अब हम इसको इसमें वाइब्रेटर में कनेक्ट करेंगे और इसको देखेंगे चला के कि क्या रिजल्ट है इसका, जो हमने मेहनत की है वो कैसी रही, उसका रिजल्ट क्या रहा है। तो इस तरह से हमने ये वाइब्रेटर में कनेक्ट की है, अब हम इसको चला के देखते हैं।
कि क्या ये अच्छा वाइब्रेशन करेगी या नहीं। अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, तो इस तरह से ये सही वर्क अभी करेगी, क्योंकि थोड़ा इसको टाइम, ये बिल्कुल सही वर्क करेगी। अब इस पर थोड़ा लोड भी डाल के हम देखते हैं, तो इस पर हम बिल्कुल खड़े होकर देखते हैं, दोनों पैरों का लोड डाल के देखते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल एकदम सही है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपको ऐसे कंटेंट इस पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।